हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये लैपी हार्ड डिक्स है जो जिसमें डाटा मैंने ले रखा, पर ये डिटेक्ट नहीं हो रहा लैपटॉप में। इसको कैसे ठीक करेंगे? ये देखिए ना, लैपी हार्ड डिस्क जो एक्सटर्नल केसिंग में है, जो बाजार में मिलता है उसके अंदर में ये लैपी हार्ड डिस्क जो मैंने अपना ये डेल लैपटॉप में लगाया, वो डिटेक्ट नहीं हो रही ये वाला। तो इसको कैसे ठीक करेंगे वो मैं आज बताने वाला हूँ आपको। चलिए शुरू करता। प्लीज लाइक सब्सक्राइब किए, बेल आइकन दबाइए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो ये लैपी हार्ड डिस्क को मैं अभी अपना डेल लैपटॉप में लगाऊंगा और देखूंगा ये डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। इसमें जो डाटा बैकअप लिया हुआ है वो आ रहा है कि नहीं। और ये लैपी हार्ड डिस्क का जो डाटा रिकवर करेंगे वो ये पीसी हार्ड डिस्क में डाल देंगे रिकवर करके। इसमें ये लैपी हार्ड डिस्क का जो जितना भी डाटा है रिकवर सॉफ्टवेयर से रिकवर करके इसमें डाल देंगे, ये पीसी हार्ड डिस्क में जो मैंने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बनाया है। ये डिवाइस को यूज़ करके मैंने ये पीसी हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बनाया। ये वाला डिवाइस आपको कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर में मिल जाएगा खरीदने के लिए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बनाने के लिए। देखिए ना लगा हुआ। तो इसमें हम ये लैपी हार्ड डिस्क का जितना भी डाटा है उसको रिकवर करके यहाँ डाल देंगे। तो वही सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं लैपटॉप में। मैं यहाँ डिस्क मैनेजमेंट खोलने वाला हूँ और देखता हूँ कि यहाँ डिस्क को शो करता है कि नहीं, डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं।
देखिए ना, इंडेक्स मैनेजमेंट खुली है। मैं विंडोज 11 OS यूज कर रहा हूँ। डिटेक्ट नहीं हुआ, देखिए ना, फर्स्ट हार्ड डिस्क, सेकेंड हार्ड डिस्क, थर्ड हार्ड डिस्क नहीं डिटेक्ट हो रहा। खोल के फिर से लगाता हूँ। अभी देखिए डिटेक्ट हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड हार्ड डिस्क 500 GB का हार्ड डिस्क है, लैपी हार्ड डिस्क जो एक्सटर्नल केसिंग में। देखिए डिटेक्ट हो गया। अब ये देखिए, जब भी मैं ये लैपी हार्ड डिस्क को लगा रहा हूँ अपने लैपटॉप के USB पोर्ट में और विंडोज 11 में इंस्टॉल है, तो यहाँ ऐसा दिखा रहा है। देखिए ये देखिए, अनएलोकेटेड 465.76 GB ऐसा दिखा रहा है। ऐसा दिखाना नहीं चाहिए, जब भी मैं लगाऊंगा तो ऐसा दिखाना चाहिए। प्राइमरी पार्टीशन, लॉजिकल प्राइमरी पार्टीशन का ये वाला चीज दिखाना चाहिए, पर ऐसा दिखा रहा है, इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मेनली कॉमन प्रॉब्लम है, सबको फेस करना पड़ता है ये लैपी हार्ड डिस्क में बैकअप लेने से, दुनिया भर का बैकअप कंप्यूटर का। तो जब भी कोई नया OS इंस्टॉल करेंगे और लगाएंगे तो ऐसा आएगा प्रॉब्लम। तो इसको कैसे ठीक करेंगे वो हम आपको बोलेंगे सोल्यूशन। देखिए ना, इसमें डाटा है तब भी ऐसा दिखा रहा है, अनलोकेटेड दिखाना चाहिए प्राइमरी पार्टीशन। कभी कभार ये भी डिजेबल रहता है, ऐसे रहता है। इसको ऑनलाइन कर देंगे, इसमें डाटा है पर ये प्राइमरी पार्टीशन में नहीं आ रहा, रॉ फाइल में दिखा रहा है। अब सॉल्यूशन देखिए, प्लीज लाइक सब्सक्राइब किए, बेल आइकन दबाइए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए। इसको मैंने फॉर्मेट कर दिया, ठीक है, मैं नया फॉर्मेट करके पार्टीशन करके नया पार्टीशन बना। पूरा खाली है ड्राइव, अभी देखिए ना, ये देखिए एम ड्राइव है, न्यू वॉल्यूम एम ड्राइव,
पूरा खा लिया, इसलिए पार्टीशन और फॉर्मेट कर दिया, पूरा डाटा उड़ गया, कुछ भी डाटा नहीं है जो बैकअप लेके रखे थे। ठीक है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब किए, बेल आइकन दबाइए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए। थैंक्स। प्लीज लाइक सब्सक्राइब किए, बेल आइकन दबाइए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए। फ्रेंड्स।
We'll be right back.
Thank you.
प्लीज लाइक सब्सक्राइब किए बेल आइकन दबाइए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए। Please like, subscribe, hit the bell icon over here, and watch the whole video end to the end.